हेलो एवरीवन गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसबीआई बैंक है उसका आप मोबाइल नंबर किस तरीके से चेंज कर सकते हो, ऑनलाइन चेंज करने का क्या प्रोसेस है, मतलब बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो को देखना है आपको। और गाइस, आपकी बिना कोई नेट बैंकिंग यूज किए आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके सामने में जो कस्टमर केयर है उससे बात करके पता करूंगा कि क्या प्रोसेस है उसका, तो इसको आपको पूरा देखना है, ठीक है। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं। SBI में आपका स्वागत है, मैं निदा, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैम, मेरे को ये जानना था कि मेरा जो SBI अकाउंट है उसका मुझे क्या कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है ऑनलाइन? पूरी सहायता की जाएगी सर। मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं जी, तो अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर आपका एक्टिव है या डीएक्टिवेट हो चुका है? एक्टिव है। मोबाइल नंबर अगर आपका एक्टिव है तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं ATM मशीन के थ्रू, SBI के इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। अच्छा, मतलब ATM द्वारा या फिर अपने ATM से चेंज करना होगा? या तो ATM से चेंज करना चाहते हैं, प्रोसेस जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब क्या क्या तरीके हैं, मतलब एक तो ATM से चेंज कर सकते हैं अपन, और ATM कार्ड है? ATM कार्ड है आपके पास? हाँ है ATM कार्ड। प्रोसेस गाइड कर दीजिए, अगर ATM मशीन से चेंज करना चाहते हैं कॉल पे बने रहिएगा, ठीक है। और होम ब्रांच के द्वारा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ब्रांच में जाके अपने को ब्रांच में जाकर जो भी नंबर चेंज कराना चाहते हैं नंबर एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं उसके लिए, ठीक है, कॉल पे बने रहिएगा जी। ATM मशीन के थ्रू आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसको चेंज करने के लिए सर, सबसे पहले किसी भी नजदीकी SBI ATM मशीन पे जाइएगा, ठीक है, अपना जो ATM कार्ड है स्वाइप करिएगा ATM मशीन में स्टेट बैंक के जी। मेन मेन्यू में आपको ATM स्क्रीन पर मेन मेन्यू आपको शो होगा ATM स्क्रीन पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा जी, 4 डिजिट का अपना ATM पिन एंटर करिएगा जी, फिर आप चूज करिएगा मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर अपडेशन, ठीक है। तो मोबाइल नंबर अपडेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा, पुराना मोबाइल नंबर अपना पूरा एंटर करिएगा और उसको करेक्ट या इनकरेक्ट करके प्रेस करिएगा, ठीक है। फिर उस पुराने मोबाइल नंबर को दोबारा री एंटर करिएगा, करेक्ट या इनकरेक्ट करके प्रेस करिएगा, ठीक है। फिर नया मोबाइल नंबर एंटर करिएगा जिसको चेंज करना चाहते हैं आप जी, प्रेस कीजिएगा करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद उस नए पिन को री एंटर करिएगा जी और उसको प्रेस कीजिएगा करेक्ट या इनकरेक्ट करके, कॉल पर बने रहिएगा, ठीक है। आगे प्रोसेस बता देते हैं, कॉल पर बने रहिएगा जी मैम। इतना प्रोसेस करने के बाद सर आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, हाँ, और जो एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर होता है ATM मशीन से डिटेल अगर उसकी मैच हो जाती है जी, तो आपके दोनों मोबाइल नंबर पर आपको फॉलोइंग SMS आएगा, ठीक है, जिससे तो मैसेज आपको पास आएगा, वो मैसेज आपको सेंड करना होगा, इसमें लिखा होगा रेफरेंस नंबर फॉर चेंज अपडेट मोबाइल नंबर, इस तरह से एक मैसेज आएगा जी, तो सेंड करना होगा आपको OTP और रेफरेंस नंबर जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर रिसीव हुआ होगा नया पुराने दोनों पर जी। फॉर्मेट जो रहेगा, फॉर्मेट रहेगा कैपिटल में लिखना होगा एक्टिवेट स्पेस OTP वैल्यू स्पेस रेफरेंस नंबर और भेज देना होगा ये मैसेज आपको 5 6 7 6 7 6 पर 4 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब मोबाइल से समय होगा आपके पास, मोबाइल से मैसेज करना है, मतलब ये कैपिटल में लिखते हैं दोनों मोबाइल नंबर, आप जब ये पूरा प्रोसेस करके आएंगे ATM मशीन पे, हाँ, तो आपके दोनों मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, ठीक है, OTP और रेफरेंस नंबर लिखा होगा उस मैसेज में, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, इस फॉर्मेट में आपको 4 घंटे के अंदर अंदर दोनों मोबाइल नंबरों से मैसेज सेंड करना होगा, एक्टिवेट स्पेस OTP वैल्यू स्पेस रेफरेंस नंबर लिखकर 7676 पर सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप मैसेज सेंड करेंगे जी, तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपके जो ये OTP चेंज के थ्रू ये रिक्वेस्ट है रिसीव हो चुकी है, प्रोसेस रिसीव हो गया है, मोबाइल नंबर आपका फिर मैसेज आएगा, अपडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास एक नए मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है अपडेट हो चुका है, okay, और इसका जो रेफरेंस नंबर है वो ये है, ठीक है। इस तरह से आप ATM मशीन के द्वारा खुद से अपना मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अन्य कोई सहायता कर सकते हैं SBI से संबंधित? नहीं मैम, और इसके अलावा कोई मतलब, या फिर तो अपन बैंक में जाके कर सकते हैं या फिर अपन मतलब ATM से कर सकते हैं, दो तरीके हैं, मतलब पिंच वो नंबर से कर सकते हैं, चेंज ब्रांच के द्वारा कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ओके।
ठीक है मैम, थैंक यू। नेट बैंकिंग अगर यूज करते हैं उससे भी चेंज कर सकते हैं, हमने कोई सहायता कर सकते हैं? नहीं मैम, इसके अलावा कोई सहायता नहीं चाहिए। तो गाइस देखिए, SBI जो बैंक है उसके अंदर मोबाइल नंबर चेंज करने के तीन तरीके हैं। किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो तरीका है कि आप ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन वगैरह लिख के देनी पड़ेगी और आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ATM होना चाहिए, ATM कार्ड। यदि ATM कार्ड है आपके पास तो आप कोई भी आसपास आपके नियर बाई जो भी ATM है SBI का, SBI के ATM में जाना है आपको और जो जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं उन्हें फॉलो करते हुए आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसे चेंज कर लेना है, ठीक है। और जो भी मैसेज है, दोनों नंबरों पे मैसेज आता है, फिर उसके ऊपर आपको मैसेज कर देना है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में फुल डिटेल में बताया। तो इसको आप देखकर आराम से और मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका है नेट बैंकिंग से। तो यदि आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, आपने नेट बैंकिंग एक्टिवेट है आपका, तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये तीन तरीके थे जिनसे आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं गाइस इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।